भी अनरोमांटिक है, मैं भी अनरोमांटिक हूँ। उन्होंने मुझे इसी तरह कन्विंस किया कि मिसेज इमरान खान न्याजी से ज़्यादा सिक्योर पोजिशन किसी की क्या हो सकती है। जाहिर है कि जब इतना मेजर कोई फैसला कर रहा होता है तो शायद मुझे थोड़ा सा ज़्यादा सोचना चाहिए था, शायद उनको थोड़ा सा ज़्यादा सोचना चाहिए था। पहले महीने, दूसरे महीने या पहले ही दिन कब हुई पहली लड़ाई? जाहिर है शादी इसलिए नहीं चली क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई। बच्चों का बड़ा क्रिटिकल फैसला था आप बच्चों के हवाले से, जाहिर है आप उसी बनी गाला के अंदर उसी घर में बच्चों के साथ रहना, इमरान खान साहब की सूरत के अंदर शायद उनको एक सौतेले बाप की सूरत में वो पितराना शफकत तो ना उस तरह मिल सकती है, ना पता नहीं मिली कि ना मिली, आप बेहतर इसका जवाब देंगी, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं बच्चों को किसी जगह पे ये एहसास हुआ हो कि अब उनकी माँ तकसीम हो गई है एक बीवी और माँ के अंदर? क्या कहते हैं? मेरे बच्चों को मैं बार बार क्रेडिट इसलिए देती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों ने हमेशा मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़े रहे हैं, और अब मैं जब बातें लोगों की सुनती हूँ तो सबसे ज़्यादा जिसने कुर्बानी दी इस शादी पे वो मेरे बच्चे थे। उनको जो कोई भी एतराज़ात थे उन्होंने उस वक्त ज़्यादा जाहिर नहीं किए, शुरू में पूछा कुछ क्योंकि बेटा मेरा बड़ा है और ज़रा काफ़ी उसके कुछ ख्याल आते हैं। हाँ, बेटा और बेटी दोनों आपके एल्डर यानी 18 प्लस में? नहीं माशाल्लाह, तो मेरा बेटा तो 22 साल का है, लेकिन जब शादी हो रही थी और पहले जब कोई थोड़ी सी बदमजगी हुई तो उसने मुझे इतना कोई वो उसने मुझे कहा कि ये अच्छा हो गया कि उसने एक सेंटेंस इस्तेमाल किया उस वक्त कि यू इवेडेड अ बुलेट, लेकिन उसके बाद दोबारा फिर बात छिड़ गई और फिर शादी हो गई। और उन्होंने कभी मेरे बच्चे माशाल्लाह बहुत रिस्पेक्टफुल हैं, पोलाइट हैं, तो उन्होंने बड़ा अच्छा रिलेशनशिप रखा खान साहब के साथ। बच्चों की मैंने आपकी बड़ी ज़बरदस्त एफिलेशन देखी, एक बड़ा दोस्ती का लेवल देखा, और हम चाहेंगे इस प्रोग्राम के अंदर कुछ आपके बच्चों से भी बात करें और उनसे भी कुछ उनके सवाल इसको मेट लें। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रेहम खान साहिबा के साहबजादे साहिर, उनसे पूछते हैं कि उनके अपनी वालदा के मुतल्लिक क्या जज्बात और एहसास हैं। अस्सलाम वालेकुम साहिर। अस्सलाम वालेकुम साहिर, क्या कहेंगे? आपने ज़ाहिर है 22 साल की तवील उम्र गुजारी वालदा के साथ, बहुत ही मुश्किल हालात ज़ाहिर हैं सारे सिनेरियो के अंदर आप उनके साथ रहे, बचपन से अब तक के हालात को किस तरह समाप्त करेंगे? हर बच्चे के लिए एक माँ बहुत प्रेशियस होती है, मगर मेरा रिलेशनशिप अपनी माँ के साथ इट्स बीन बिट डिफरेंट। आई मीन बचपन से माँ नहीं बाप भी है, मेरे पास कोई बाप था ही नहीं, तो शी इज़ लाइक माई एवरी थिंग, मेरे पास कोई अदर रेफरेंस पॉइंट है ही नहीं। साहिर ये बताएं कि बरतानिया पाकिस्तान की ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में कौन सा लाइफ में ऐसा टर्निंग पॉइंट है जिसने आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर दिया? वैसे ऐसे तो बहुत कहानियाँ हैं हमारी फैमिली में जो हुआ है, मगर एक सिग्निफिकेंट मोमेंट था जब मामा के पहले डिवोर्स के बाद हम अपनी फैमिली होम से विक्ट हो गए थे, और मेरी सिस्टर मेरी बहन की 10th बर्थडे थी उस दिन। तो काफ़ी पेनफुल एक्सपीरियंस था ये, मगर मामा ने बस हमें साइड पे लिया और कहा कि नहीं सब ठीक होगा, और उस दिन हमने काफ़ी काम किया, मूव किया एक नए घर में फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बगैर, बस एक औरत की विल पावर से एक हम नए घर में मूव हम मूव हो गए, एक नई जॉब शुरू की उन्होंने, और उसके बाद तो सब आसान था। साहिर ये बताएं कि अब आप चूँकि इंटरनेट जदीद दौर, ट्विटर फेसबुक को जब आप फॉलो करते हैं और वहाँ पे जब मुख्तलिफ अजीब गरीब किस्म के कमेंट्स देखते हैं तो फिर क्या जज्बात होते हैं आपके? आई मीन ऑब्वियसली आप ऐसी चीज़ें देखते हैं, ऑफेंसिव चीज़ें, प्लेन गलत चीज़ें देखते हैं मेरे बारे में, मेरी माँ के बारे में, सब के बारे में, तो बस गुस्सा ही आता है, और क्या हो सकता है कि एस्पेशली मैंने जो अपनी आंखों से देखा है मेरी माँ कैसी है, उन्होंने क्या किए मेरे लिए, और हमारी टीम में सॉर्ट ऑफ इतना इन्वॉल्वमेंट है मेरे साथ, और मैं इतना हेल्प करता हूँ कि मैंने यू नो इतना इन्वॉल्व हुए हम इनकी लाइफ में कि हमें पता है कि सब झूठ है, और हमें पता है कि बस ऐसी बातें देखना गलत है, क्योंकि ये ऑब्वियसली तो मेरी माँ को ऐसे जानते नहीं हैं, वो जो मीडिया में देखते हैं और जो एक दो बंदे ने ऐसे कहा है वो तो ऑब्वियसली उनको क्या पता है, वो तो ऐसे देखते होंगे, कहते होंगे कि इसमें थोड़ा सच तो होगा, और इससे ज़्यादा अनबिलीवेबल ये बात है कि मैं कहूँ कि नहीं सारे गलत हैं, क्योंकि तो मैं क्या कहूँ इसके बारे में, हम
मुझे तो अभी आदत हो गई है, मैंने इतना देखा है तो अफेक्ट नहीं होता अभी, मगर पहले तो बहुत गुस्सा आता था। तो जब हर चीज़ इतनी ठीक थी, इतनी खुशी से हो रही थी, तो कहाँ पे ऐसी गलती हुई, कहाँ पे इतना यानी दुख आ गया कि यानी इतना बड़ा फैसला करना पड़ गया? वो कौन सी ऐसी क्रिटिकल स्टेज है जब आपको लगा कि अब यानी जाहिर है कोई दुख दोनों ने शेयर किए होंगे, वो क्या ऐसी यानी कि नौबत आई कि जब आपको लगा कि नहीं अब कोई लगता है शायद हम नहीं रह सकते इकट्ठे, बड़ा मुश्किल फैसला, पता नहीं ये हंसी तो नहीं कोई करता, ज़रा क्या उस वक्त आपके जज्बात थे, क्या उस टाइम सेंटीमेंट्स थे जब आपके साथ ये नौबत आई? देखिए, ये लोग अब बात कर रहे हैं और कुछ इंतहाई मुश्किल और पेनफुल इज़ द वर्ड, इसलिए क्योंकि पहली शादी जब मेरी हुई तो वो एक और माहौल में अरेंज तरीके से, और ये शादी मैंने अपनी मर्ज़ी से की, तो ज़ाहिर है कि इसका टूटना ज़्यादा तकलीफ़देह है और अंदर से भी तोड़ देता है बाज़ औक़ात इस तरह के फैसले, आपने इंडिपेंडेंटली किए हो, और इंसान को अपने ऊपर एतमाद भी थोड़ा सा ज्यादा होता है। कम हो जाता है, लेकिन लेकिन हो गया। बुनियादी वजह रिश्तों में क्या चीज़ ज़रूरी होती है, वो होता है एतमाद, ट्रस्ट। और जहाँ ट्रस्ट होता है, एतमाद होता है, वहाँ आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, कन्फाइड कर सकते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है, तो आपको कम्युनिकेट करने की भी ज़रूरत होती है, और वो तभी हो सकता है जब आप सदाकत से, ऑनेस्टी से कम्युनिकेट करें। मुझे न जाने क्यों लगता है कि आप दोनों की मोहब्बत शायद कुछ हकीकत पे हकाइक पे मबनी थी, कुछ ऐसा जालिम समाज इसके अंदर इतने ज़्यादा फैक्टर इन्वॉल्व होते चले गए कि शायद वो अनफॉर्चुनेट इस अंदाज़ में एंड हुई, वरना आप दोनों के जो खलूस और मोहब्बत था मुझे न जाने क्यों लगता है कि वो एक बिल्कुल जेन्युइन था, और शायद अभी भी कहीं ना कहीं उसकी कोई ना कोई कड़ी मौजूद है या उसमें कोई इस तरह की चीज़ या इतना फैक्टर इन्वॉल्व ना होते। एट द एंड ऑफ द डे, जब भी कोई मसला होता है तो इंसान को खुद जिम्मेदारी उसकी एक्सेप्ट ब्लेम करनी लेना पड़ती है। चाहिए, तो चाहे जो कुछ भी समाज हो या कुत्ते हो या बिल्लियाँ हो, ये किसी और की वजह से नहीं होता। हम जो भी गलतियाँ करते हैं वो भी अपनी वजह से करते हैं, जो फैसले करते हैं वो भी अपनी वजह से करते हैं। अगर कोई रिश्ता टूटता है तो वो इसलिए नहीं टूटता कि किसी ने वरगलाया, और अगर कोई वरगला सकता है तो उसका मतलब है रिश्ता मजबूत ही नहीं था, इतना मजबूत ही नहीं था कि कोई अगर आपको बहका सकता है, वरगला सकता है, या इन्फ्लुएंस कर सकता है, या आपको कोई बात इतनी बुरी लग सकती है। यानी ये अब कोई सोचने की बात है कि जिस किस्म की बातें हो रही हैं, तो हर हर बात का हर मसले का हल होता है। जैसे जो भी आपने बात की, जी आप वापस टीवी पे काम करना शुरू कर दिया, या सियासत में लोगों ने समझा कि आप आना चाहती हैं, या आप जैसे मैं अजीब अजीब बातें आ रही हैं, लेकिन जब मसला आप हल करना चाहते हो तो हर मसले का हल होता है। लेकिन जब हालात ऐसे होते हैं जहाँ अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो वहाँ आपको छोटी सी बात पे भी रिश्ता टूट जाता है, और ये सिर्फ मियाँ बीवी में नहीं, हर एक के साथ ऐसा ही होता है। आपकी शादी की बात जो है कुछ लड़ाई हुई खबरें उस तरह खुलकर तो मीडिया में सामने, लेकिन जरा डिबेट का हिस्सा बनी। अलबत्ता डिवोर्स से कुछ महीना पहले कुछ लोगों ने बड़े खुलकर इस हवाले से बात करना शुरू कर दी, अगरचे खान साहब उसकी तरदीद करते रहे 2 महीने पहले, जी, लेकिन वो कैसी वो क्रिटिकल स्टेज थी, वो कौन सा ऐसा मौका था जहाँ पे आके आप बज़ाहिर ये फैसला कर चुके थे, ज़हनी तौर पर तैयार थे, या कुछ लोगों ने इंटेंशनली इस बात को बाहर फैलाया टेस्ट करने के लिए कि क्या रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि ये भी हमारे यहाँ मीडिया प्लानिंग का हिस्सा होता है बाज़ औक़ात टेस्टर के तौर पर यूज़ करने के लिए, उसमें क्या कब वो ऐसी स्टेज आई जब आपको लगा कि आप बज़ाहिर फैसला कर चुके हुए हैं? मैं तो सिर्फ अपने ही लिए जवाब दे सकती हूँ, तो मैंने तो फैसला 28 अक्टूबर को किया, जब आप यहाँ आए एक दिन जिस पहले, दिन मैंने आना था। जी लेकिन जब ये प्रोग्राम्स वगैरह चले और उसके बाद मैंने ट्वीट्स भी किए, अव्वल तो जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की गई है, मैं उन लोगों के, उन एंकर्स का नाम भी लेना नहीं पसंद करूँगी कि किसी खातून के बारे में इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की जाए। लेकिन जब इंटरव्यू, जब पहला प्रोग्राम आया इंकशाफ के साथ, जी तो उस वक्त मैंने मजाक में एक और एंकर से कहा कि इनसे कहना चाहिए कि जब इन्होंने खबर भी शादी की दी थी तो वो भी सही खबर नहीं थी, क्योंकि मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं थी ना, सही मैंने दूर दूर तक, मेरे दिमाग में ये बात, मेरे ख्याल है कोई भी खातून, मतलब पहली शादी के बाद भी मुझे बहुत हिम्मत करनी पड़ी यह सोचने के लिए, तलाक एक ना बहुत ही मुश्किल फैसला और इस तरह
ऐसे किसी छोटी सी बात पे नहीं किया जाता, तो मेरे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था जब प्रोग्राम किया गया। सही और मैंने पूछा, मुझे कुछ बातें उसमें अजीब सी लगी, कुछ इनकशाफात जो हो रहे थे वो अजीब थे, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। मैंने खान साहब से पूछा और उन्होंने कहा ये इस किस्म की बातें आती रहती हैं, मेरी और जमाइमा की भी हर 2-3 महीने बाद आती रहती थी। तो मैंने आगे से उनसे हंस के ये कहा, मेहमान भी बैठे थे, मैंने कहा लेकिन हो गई ना। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि ये तो, और उस एंकर के बारे में बड़े नाजेबा बातें कहीं, उन्होंने कहा अच्छा इनका तो काम ही ये है, ये तो हमेशा से ऐसे करते हैं। मुझे क्योंकि मैं एक्चुअली इस एंकर का तो मैंने नाम ही कभी नहीं सुना था, जब तक ये खबर नहीं आई थी पहली आपको। खबर जब शादी जी की आई थी मुझे नहीं पता था कि ये कौन यानी साहब उनका है। सोर्स इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपसे भी ज्यादा उनको इन्फॉर्मेशन शादी की भी थी और जाने की अब तो भी उनको बहुत ज्यादा उनका थी सोर्स स्ट्रांग है कि वो ये भी जानते हैं कि पूछना चाहिए कि सीधे हाथ से या उल्टे हाथ से मैंने थप्पड़ मारा, इसलिए क्योंकि जहां तक मेरी फैमिली को पता है तो मेरा तो सीधा हाथ मैं ऊपर उठा ही नहीं सकती। तो फिर मेरा ख्याल है कि उल्टा हाथ मेरा बड़ा तेज होगा और शायद कुछ और लोगों पे इस्तेमाल करना चाहिए था मुझे। फर्श पे जो लोग हैं ना, ये मैंने तो कभी इनको खुदा नहीं बनाया, तो मेरा खुदा तो ऊपर बैठा है जो मेरा फैसला करेगा और जो मेरे साथ इंसाफ भी करेगा। कोई एक दो ऐसे आपके करीबी फैमिली मेंबर खान साहब के या आपके कि जिन्होंने सुलह सफाई मसालियत की बड़ी कोशिश की हो और फिर आखिर में कहा हो कि सॉरी मैं हार गया, मैं हार गई, नहीं कर सके हम। मेरी फैमिली को तो कोई इल्म ही नहीं था। एक दो लोगों ने मुझसे पूछने की कोशिश की, क्योंकि अक्टूबर का पूरा महीना गुजरा तो मुझे तो ऐसी कोई लड़ाई वगैरह या कोई कुछ ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ आखिरी आप इलेक्शन वक्त में तक। कैंपेन तक में साथ गई, लाहौर वाला जो जलसा था मुझे अक्टूबर कहा के अंदर गया था, आप मुझे कहा गया के मैं, साथ मेरी बेटी चलो, गई और वो ब्रेकिंग तो। न्यूज़ के तौर पर चला कि रेहम खान साथ जा रही हैं हाँ जी, खान मुझे साहब के कहा साथ, उस गया, टाइम भी खबरें इस तरह मुझे की आ कहा रही थी। गया और वापस भी जब आए तो अप्रिशिएट किया गया एक मीडिया वेरी। के हवाले से आप थोड़ी सी नाला नज़र आती हैं। मीडिया के कुछ लोगों का ये कहना है कि उन्होंने तो आपको नेशनल भाभी का दर्जा दिया, आपको बड़ा प्रोटोकॉल दिया और आपको बड़ा इस्तकबाल किया। एक लीडिंग चैनल वीडियो चला रहा है कि इज़ रेहम खान अचुड़ैल, तो आप मेरी तो देखें, मेरी तो इज्जत और जिल्लत तो मेरी तो अल्लाह पाक के हाथ में है, मुझे तो कोई नहीं जलील कर सकता। लेकिन जो एक सस्टेन्ड मीडिया कैंपेन रही, सबने नहीं की, कुछ लोग हैं जो के मैं जो मैं कहती हूँ कि उन्होंने अपनी क्लास को मेंटेन किया, उन्होंने वो कभी भी इस लेवल पे नहीं गिरे। और वो जो हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, वो मैं जब पाकिस्तान आई तब भी मैं उनको रिस्पेक्ट कर रही थी, और देयर इज़ अ रीज़न, और उनकी लोग ऑफ एयर भी रिस्पेक्ट करते हैं और ऑन एयर भी रिस्पेक्ट करते हैं। सैडली वो कुछ लोग जो के गंदी जबान इस्तेमाल करते हैं, गंदी सोच रखते हैं और पाकिस्तान का बड़ा बुरा इमेज बाहर भेज रहे हैं, वो कुछ एंकर पोजीशंस पे हैं और ये बड़ी ख़तरनाक बात है। देखिए, जो इंसान मेरे बारे में झूठ बोल सकता है, मैं एक शख्स हूँ, एक औरत हूँ, मेरे बारे में जो झूठ बोल सकता है वो यमन के ऊपर भी झूठ बोल सकता है, सऊदीया के ऊपर भी झूठ बोल सकता है, ईरान के ऊपर भी झूठ बोल सकता है, कश्मीर के ऊपर भी झूठ बोल सकता है। सही, वो आपकी नेशनल सोच को तब्दील कर सकता उसकी है, क्रेडिबिलिटी क्वेश्चनेबल उसकी है, क्रेडिबिलिटी क्वेश्चनेबल नहीं है, उसकी उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत खतरनाक नाक है। है। इसलिए क्योंकि आपका हर शख्स पाकिस्तान में अब अखबार नहीं पढ़ता, अब हम लोग किताबें नहीं पढ़ते, तो वो जो एंकर बोल रहा है 40 मिनट के लिए, अगर आपके साथ उसका मसला हो गया, या अगर आपके अगर किसी एंकर के बच्चे को एडमिशन नहीं मिली किसी स्कूल में और वो स्कूल के पीछे एक 40 मिनट का प्रोग्राम कर लें, यानी 30 सेकंड का जो इश्तिहार चलता है उसका कितना असर होता है लोगों पे। 40 मिनट का प्रोग्राम अगर कोई आपको ब्रेन वॉश कर रहा है और आप की जो मैसेज हैं वो सुन रही हैं और वो प्राइम टाइम पे चल रहा है, तो कितनी खतरनाक बात है। सही ये इट्स नॉट अबाउट रेहम खान। और जब किसी एक औरत पे अटैक होता है, देखिए रेहम खान पे अटैक करना कोई आसान बात नहीं है, इसलिए क्योंकि रेहम खान पे अगर आप अटैक करेंगे, मैं तो जिन मराहल से ज़िंदगी में गुजरी हूँ, तो मैं तो आई एम रेडी फॉर बैटल, क्योंकि सही मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों ने भी पूरा साल प्रूव किया कि वो कितने मजबूत हैं और वो कितना रेजिलियंट हैं। ये बताइएगा कि आपने एक ट्वीट किया काला जादू के हवाले से, अगर कोई एक सादा देहाती खातून काला जादू के हवाले से बात करे तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन आप जैसे पढ़े लिखे जिसका यहाँ का ब्रॉटअप, यहाँ का एक्सपोयर बरतानिया का भी, क्या ऐसा काला जादू इतना असर पड़ गया आपके रिलेशन के ऊपर कि जो इस नहज तक बात आन नहीं, पहुंची? मैंने ये कहा कि जादू का जिक्र कुरान पाक में जी भी बिल्कुल, आया मैं है इसको जी और जादू का हिस्टोरिकली भी कहा जाता है, जी और ये बताया जाता है कि मियाँ बीवी को अलहदा करने के लिए जी जादू प्रिडोमिनेटली इस्तेमाल होता है। और वो मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने एक आर्टिकल पाकिस्तानी अखबार में पढ़ा जहाँ खान साहब की एक रिलेटिव ने सहाफ़ी को फ़ोन करके ये कहा कि काला जादू खान साहब पे करवाती रही हैं।
क्या गलती हुई, क्यों ये नौबत आई कि उनको एक ऐसे अपनी पार्टी के अहदेदार की तरफ से एडमिट मुझे लग रहा है आप जितने सवाल मुझसे पूछ रहे हैं मेरा ख्याल है कि उन लोगों से पूछने चाहिए जिन्होंने ये किया। तलाक बाद में होती है, अनाउंसमेंट पहले होती है, तो क्या जल्दबाजी थी? कुत्तों का भी बड़ा जिक्र आया इस सारी कहानी के अंदर, ये क्या कहानी थी कि कुत्ते भी तलाक की वजह बन जाते हैं? मजाक का खेस बात यह है कि जो फोटो लगा रहे हैं, कुत्ता भी मेरा है, फोटो भी मैंने लिया है। काला जादू की भी बात होगी, ये कुत्तों का भी बड़ा जिक्र आया इस सारी कहानी के अंदर, ये क्या कहानी थी कि कुत्ते भी तलाक की वजह बन जाते हैं? वैसे मैं ये आपको कहूँ कि इतनी तकलीफ दे हादसे के बाद कुछ बातें वाकई आपको मुस्कुराने पे मजबूर करती हैं कि अगर लोग ये कह सकते हैं। अव्वल तो ये कि जो कोई भी मुझे जानते हैं, मजायका खेस बात ये है कि जो फोटो लगा रहे हैं, कुत्ता भी मेरा है, फोटो भी मैंने लिया है, और है भी वो बेडरूम के बिल्कुल बाहर नाश्ते का। मैं तो अपना कुत्ता यहाँ से इंग्लैंड से लेके गई थी, और खान साहब जाहिर है मैंने जब घर संभाला तो कुत्ते भी संभाले, और कुछ मेरे बच्चों की वजह से कुछ और कुत्ते भी अडॉप्ट किए हमने। कुत्ते ज़्यादा वफादार होते हैं, और कुत्ते बहुत ज़्यादा आपको, अगर आपकी आंखों में आंसू देखे आपका कुत्ता तो वो महसूस करता है, वो आपके साथ सारी रात बैठा रहेगा। मुझ पर तो और भी बड़े इल्ज़ाम लगे हैं, लेकिन कुत्ते जैसे पहले घर में थे वैसे ही रहे। अच्छा। मेरी वजह से उसको कोई फर्क नहीं, किसी कुत्ते को मैं निकाल नहीं सकी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइए, कुत्तों का कोई मसला हो गया, एक और फैमिली के हवाले से जो चौथी ऑप्शन आज हम, चूँकि हम मुसलसल सारी चीज़ों में बात करें फैक्टर्स के हवाले से, तो ज़ाहिर बहनों का जिक्र बहुत ज़्यादा आता है। अब उस बारे में आप क्या कहेंगे, चूँकि बहनों से कहते हैं अटैचमेंट बहुत ज़्यादा थी खान साहब की, तो क्या वाकई ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया इस सारे सीन के अंदर? चूँकि जाहिर अगर आपकी इस तरह की अटैचमेंट है तो फिर कहीं ना कहीं फैमिली असरअंदाज तो होती है या हो सकती है। देखिए मैंने काफ़ी दफ़ा ये पहले भी कहा, और ये मैं जो भी कहा हमेशा सच ही कहा, कि जब खान साहब ने मुझे प्रपोज़ किया तो जो उनकी एक शख्सियत में जो दो बातें मुझे अच्छी लगें वो यही थी कि वो बहनों के हक़ में बहुत अच्छे हैं, भाई से बढ़कर एक बाप की हैसियत से, और उन्होंने हमेशा, और मैंने भी कभी उनकी बहनों के बारे में कभी कोई बात ना पब्लिकली और ना उनके साथ कोई गलत बात कही, क्योंकि मुझे पता है उनको बहुत मोहब्बत है और होनी भी चाहिए, और बड़े भाइयों को नहीं होती, तो ये अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा उन्होंने एंड आई रिस्पेक्ट दैट, मतलब अगर कोई बहन किसी मुश्किल वक्त में से गुजर रही है तो उन्होंने अपना घर दे दिया। उन्होंने बहनों को हमेशा बहुत एतमाद किया। इसी तरह दूसरी जो उनकी बड़ी अच्छा पहलू है ये कि वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है कि एक बाप अपने बच्चों से, बल्कि बेटों से बहुत ज़्यादा प्यार करें, ये भी मुझे तो ये अच्छी क्वालिटी लगती है। ख़वातीन पीटीआई में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं हम देखते हैं, वैसे तो हर जमात के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ में, चूँकि खास आपका ग्लैमर है ख़वातीन के हवाले से, सब लोगों को इसका अंदाज़ा भी है, और कई बड़ी कलीदी पोजीशन में भी हैं खान साहब की पार्टी के अंदर। अब एक खातून अगर घर में आ जाती है तो जाहिर है कई खातून की एक्सेस मुश्किल होती है, वो एक प्रोफेशनल जेलसी कहते हैं, वैसे भी औरत औरत की वैसी दुश्मन होती है, एक ज़रबुल मिसल बनी हुई है इस हवाले से, तो जब एक खातून जाहिर है बाकायदा एक निकाह के अंदर मौजूद है और वो घर को संभाल रही है, तो फिर जाहिर है कई खवातीन को आने में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा, और जाहिर है उन खवातीन से अटैच कई इवन मर्द भी जो हैं और जो पार्टी के हैं मोहदेदार हैं उनके लिए भी काफ़ी शायद मुश्किलात में इजाफा होगा, तो इस फैक्टर ने भी कहीं ना कहीं आपको मुतासिर किया या आपके लिए परेशानी का बाइस बना? मैंने पहले भी जिक्र किया कि सियासी जमातों में कुछ माहौल ऐसा है जिसको जिसको एड्रेस करना चाहिए, और सिर्फ मेरिट ही को सामने रखना चाहिए। लोगों को अगर मेरे बनीगाला में होने पे एतराज़ था तो वो लोगों ने अपने तक नहीं रखा, इट वाज वेरी ऑब्वियस। इसके बारे में बारहा मैंने देखा सोशल मीडिया पे भी, और बहुत से लोगों को बहुत तकलीफ थी और एतराज़ फेक आईडीज़ बना के आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना या लोगों को कहना, नहीं, लोग अपनी जेन्युइन आईडी से भी अच्छा करते रहे, अपने मतलब खुल्लम खुल्ला अटैक्स करते रहे हैं। यकीनन मेरा ख्याल है बहुत से लोगों को अब तो जैसे खुल रहा है कि बहुत से लोगों को एतराज़ात थे, क्योंकि अब वो खुल के सामने आ गए हैं, जो उन्होंने कुछ थोड़ा सा शर्म पर्दा रखा हुआ था 10 महीने, वो लोग मुझे आके बताते भी थे, मैं इससे वाकिफ भी थी।
तो खामोशी इख्तियार करती थी, मतलब मजबूरी थी कि वैसे ही खामोशी मैं जाहिर है किसी को भी पसंद नहीं होता। लेकिन जाहिर है कंप्रोमाइज़ तो करना पड़ा आपको। कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अच्छा, तभी यहाँ तक नौबत आई। अच्छा, ये बताइए कि एक एग्ज़िट जमाइमा का था, एक आपका एग्ज़िट है ज़ाहिर है एक शख्स की ज़िंदगी से, लेकिन जो जमाइमा वाला एग्ज़िट है उसके मुतल्लिक अभी भी लोग कहते हैं कि उनकी वालदा से खान साहब का रबता है, बच्चों से भी ज़ाहिर मिलने के लिए वो आते हैं, यहीं पर उनके घर में ठहरते हैं। आप इस एग्ज़िट को किस तरह देख रहे हैं, क्या आपके साथ भी कभी रबता रहेगा या रखना चाहते हैं आप, या कोई ऐसी चीज़ है, क्या कहेंगे इस बारे में? अपने बच्चों की वालदा के साथ या उनकी फैमिली के साथ अच्छे मुरासिम रखना अच्छी बात है, क्योंकि यही एक तरीका है कि आप अपने बच्चों से कांटेक्ट या रिलेशनशिप रख सकते हैं। सही, तो दैट्स अंडरस्टैंडेबल, ये तो कोई इसमें कोई गलत बात भी हैरान नहीं की है। बात नहीं है जी। और क्या तरीका हो, अच्छी बात है कि अच्छे मुरासिम रखे जाएं। मेरे साथ ज़ाहिर है एक तो बहुत शॉर्ट अरसा शादी रही और हमारे बीच में कोई औलाद नहीं है, तो अच्छा, ये बताएं कि औलाद के हवाले से मैंने चूंकि बात की, तो कुछ ये भी लोग बातें करते हैं कि इब्तदा में शेख खान साहब की ख्वाहिश थी या आपकी ख्वाहिश थी कि बच्चा भी होना चाहिए, लेकिन फिर इस पर कोई जो है ज़ाहिर है कोई डेवलपमेंट नहीं, और कुछ लोग कहते हैं बाइंडिंग फोर्स भी बाज़ को बच्चे बन जाते हैं इस हवाले से, तो कहीं आपको लगता है कि अगर इस हवाले से शायद कोई होता तो शायद हालात डिफरेंट होते, सिचुएशन डिफरेंट देखिए, होती? पहली बात तो ये कि ये बड़ी, मैं इस बात के बहुत ख़िलाफ़ हूँ कि सिर्फ बच्चों की वजह से आप किसी के साथ इकट्ठे रहें। आपको रहना चाहिए अहसन तरीके से एक दूसरे के साथ, खुश अखलाकी के साथ बच्चे रहना मजबूरी चाहिए, नहीं लेकिन बनने चाहिए। बच्चे मजबूरी नहीं बनने चाहिए बच्चों की वजह से कि जी बच्चा पैदा करके किसी को ज़बरदस्ती आप अपने साथ बांध लें। ये बात मुझे नहीं समझ आती, ये बात गलत है। लेकिन ये है कि बच्चों की वजह से इंसान में ज़्यादा बॉन्ड शायद स्ट्रांग हो स्ट्रांग जाता है। हो सकता है, प्यार मोहब्बत का। खान साहब की ख्वाहिश थी, लेकिन हमने इतनी लेट उम्र में शादी किया है, मेरे 3 बच्चे हैं, मैं पाल चुकी हूँ, आई एम अ करियर वूमन, और 40 साल के बाद इतना कोई सेफ भी नहीं है, बहुत रिस्क बढ़ जाते हैं। और मेरा ख्याल है ये एक अल्लाह की तरफ से अच्छी बात है कि ज़ाहिर है अगर तलाक हो जाए और बच्चे हों तो फिर ज़्यादा मसाइल बनते हैं। अच्छा, ये बताएं, गोरे कहते हैं टेक अ ब्रेक, जब बहुत क्रिटिकल स्टेज आ जाए तो बाज़ का ब्रेक लेना अच्छी होती है, और ख़ास तौर पे जब रिलेशन इस तरह का था, तो कहीं ऐसे मौके पे लगा आपको या खास तौर पे एक दूसरे से दूर रह के देखते हैं शायद एक दूसरे की दूर रहना ज़्यादा अच्छा लगे, या एक दूसरे की जो है दूरी का एहसास हो, कभी ऐसी स्टेज आई? मेरा ख्याल है कि उस स्टेज से इट्स डिफ़िकल्ट टू से। मेरा ख्याल है कि कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके जो कि रिजॉल्व नहीं हो सकती। अच्छा, ये बताएं कि खान साहब ने जरा लास्ट इलेक्शन के अंदर अकेले कितनी बड़ी जमात की नुमाइंदगी करते हुए कोई 7.6 मिलियन के करीब वोट हासिल किए, जो रजिस्टर्ड वोट जिन्होंने बाकायदा जहर बल्ले पे अंगूठा लगाए हैं उस पर जाके बाकायदा वोट, और जहर इससे कई बड़ी तादाद ऐसी लोग होगी जिन्होंने शायद बाई चांस वोट कास्ट नहीं कर सके या मुल्क में नहीं थे, तो आपको लगा कि जब आप शादी कर रही थी या उस वक्त भी आपने सोचा कि कैसे आदमी से शादी कर रहे हो जो इतना पावरफुल है या इतना मकबूल है, और जब आप अलहदगी का फैसला कर रही थी कि आपको कितने ज़्यादा लोगों की नफरत का वन वे और ज़्यादा शायद सामना करना पड़ सकता है, क्या आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर थी या आपको था कि नहीं यू आर ऑन द राइट साइड, तो वो भी लोग आपके साथ शायद खड़े होंगे और आपको सपोर्ट करेंगे? मुझे लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं जी, मैं कोई सियासतदान नहीं हूँ, ना मैंने वोट्स जमा करने हैं, तो ना मुझे पहले सपोर्ट की ज़रूरत थी, ना मुझे अब सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे साथ जो लोग खड़े हैं, जो मेरे जो जो मैं काम करना चाहती हूँ ज़िंदगी में, उसके लिए मेरे पास बहुत बड़ी वॉलंटियर फोर्स खड़ी है जो कि अब भी खड़ी है, और मैं उन लोगों को अप्रिशिएट करती हूँ। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका ताल्लुक PTI से है। एक्चुअली बात समझ नहीं आ रही कि जिसके भी जो मफादात थे या जो भी, अगर नहीं चाहते थे कि शादी चल रहा है, तो अब तो उनको खुश होना चाहिए कि उनका जो भी एम था वो पूरा हो गया, तो अब तो मेरी जान छोड़ दें, रास्ते खुल गया अब तो रास्ते खुल गए, तो उनके। अब क्या ज़रूरत है डिफेम करने की। सही, डिफेम करने से क्या, जब भी कोई किसी और को अटैक करने की कोशिश करता है, नुकसान उसका खुद होता है। जब आप किसी की जरूरत तरफ उंगली उठाते हैं, चार उंगली चार आपकी उंगली अपनी आपकी तरफ तरफ होती होती हैं, तो हुआ क्या है, सारी दुनिया अब ये कह रही है कि ये किस तरह से लोग बात कर रहे हैं, है। ये वही लोग जलील होंगे। इसलिए क्योंकि जब भी आप किसी के साथ बदनीयती करते हैं, अगर आप किसी के लिए बुरा ख्याल भी, मेरा मानना है कि आप बुरा ख्याल भी किसी के लिए आए, तो अल्लाह उसी वक्त आपको सज़ा देता है। ये बताइएगा, आपने कहा चूंकि बिल्कुल हम एंड पे जा रहे हैं गुफ्तगू को, चीज़ों को वाइंड अप करते हुए, तलाक का तरीक़ेकार आपने कहा दुरुस्त नहीं था, ज़ाहिर वो आखिरी स्टेज आई, आप इत्तेफाक से हमारे इनविटेशन के ऊपर ही लंदन आपने आना था और आप आईं, और अगले ही दिन हमारे लिए और आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर खबर सामने आती है, वो एक ट्वीट
उनकी पार्टी का एक अहदेदार करता है, जो कि ज़ाहिर किसी को भी पसंद नहीं है, कि एक ज़ाती मामला था और उसमें किसी पार्टी के अहदेदार को करना, ये सब पे ओवरऑल सब लोगों ने बड़ा सख्त क्रिटिसाइज़ किया। क्या गलती हुई, क्यों ये नौबत आई कि उनको एक ऐसे अपनी पार्टी के अहदेदार की तरफ से एडमिट मुझे लग करवाना रहा है आप पड़ा? जितने सवालात मुझसे पूछ रहे हैं, मेरा ख्याल है कि उन लोगों से पूछने चाहिए जिन्होंने ये किया। मेरा आई एम द ख्वाहिश होगी रॉन्ग बल्कि सब्जेक्ट, इस हवाले से आई उनसे ही शुड नॉट बात बी ऑन द हॉट सीट। ये सवालात जिनके जवाबात मेरे पास नहीं है, मेरे करें। पास भी उसी किस्म के क्वेश्चंस मेरे दिमाग में होंगे कि तलाक बाद में होती है, अनाउंसमेंट पहले होती है, तो क्या जल्दबाजी थी। अगर आप सियासी तौर पर भी देखें तो भी ये कोई कोई बहुत क्या कहना चाहिए, दानिशमंदाना मच्योर फैसला। दानिशमंदाना फैसला नहीं था कि लोकल बॉडी से पहले आप ऐसे कर लें। तो अगर सियासी तौर पे भी आप देखें तो पता नहीं क्या मुहरक़ात थे इसके पीछे, क्या जल्दी थी। लेकिन खैर, जिस जो बात होनी होती है, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि एक तरीका होता है, तरीके महज़ब बात तरीका होने। होता है। तलाक होना, शादी होना एक निजी मामला है, तो वो पहले तलाक हो जाती और फिर, बल्कि होना तो ये चाहिए था कि जो कुछ भी हो जाता आराम से और फिर बाद में हम कभी अनाउंस कर देते कि ऐसा हो गया है। तब्दीली सिर्फ ये आई है कि आई एम सिंगल अगैन, देन आई एम नॉट मैरिड एनी मोर। ये बताएं कि पैसों का भी फिर जिक्र आया कि आपने जाहिर है कोई काफ़ी बड़ी रकम वसूल की और एक पार्टी अहदेदार ने दी, काफ़ी लोगों के नाम दिया है। कोई समझता है कि मुझे पैसों से खरीद सकता है, तो ये भी गलतफहमी है। और भी बड़ी बातें आ जाती हैं। कम्प्लीटली ही मेरा कला कमा करना था, तो शायद अगर शूट कर ले तो शायद ज़्यादा सियासत बेहतर हो जाती। ये बताएं कि पैसों का भी फिर जिक्र आया कि आपने जाहिर है कोई काफ़ी बड़ी रकम वसूल की और एक पार्टी अहदेदार ने दी, काफ़ी लोगों के नाम दिया है। कितने पैसे कैसे मिले, कुछ इस बारे में बताएंगे? मैं सोच रही हूँ कि पता नहीं कोई और भी शायद मेरे नाम से कोई है, कोई बैंक अकाउंट होल्डर, क्योंकि मुझे तो ना शादी के दौरान ना तलाक के बाद किसी पार्टी अहदेदार से कोई मेरे बैंक अकाउंट में कोई ना रकम गई, ना ऑफर की गई, ना कोई फ्लैट मिला, ना कोई अंगूठी मिली, ना कोई 1 करोड़ की, जैसे मशहूर हो गया कि जी 1.5 करोड़ की ना कोई 10 लाख का डायमंड। बैग मिला। हाँ, ना कोई, ना मैंने 10 लाख का कोई बैग की डिमांड की। अक्सर लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या आपने 10 लाख से ज़्यादा की डिमांड कर ली थी। लेकिन ना मुझे कभी पहले हैंडबैग का शौक था और ना मैंने कोई डिमांड की। लेकिन इसमें कोई सदाकत नहीं है। हक महर अगर कोई था तो ना मैंने मांगा, ना वो अदा किया गया, ना उसकी मालियत की मुझे कोई ज़रूरत है। मुझे ये भी नहीं पता कि कितना था, 80 हज़ार था कि 86 हज़ार था, आई डोंट नो। चूँकि आई एम सिंगल पेरेंट और मैं बच्चों के कफालत की जिम्मेदार हूँ, तो मुझे तो बल्कि फाइनेंशियल लॉस हुआ क्योंकि मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। ये बात बिल्कुल गलत है। ना मैंने शादी किसी ओहदे के लिए की थी, ना मैंने शादी किसी पैसे के लिए की थी, और ना मैं तलाक के लिए कोई कोई कंडीशन है कि जी इतने पैसे दें। या कोई, अगर कोई समझता है कि मुझे पैसों से खरीद सकता है, तो ये भी गलतफहमी है। और भी बड़ी बातें आ जाती हैं। आखिरी मैसेज क्या खान साहब, जब आपने इतनी ज़्यादा इंतहा पे फैसला हो गया, तो क्या वो ऐसी क्रिटिकल स्टेज के बाद जब आपने अब रबते तो ख़त्म करने थे, तो क्या ऐसा पैगाम जो आपने उनको दिया या उन तक मैसेज जो किया, या आपका क्या आखिरी तबादला हुआ, एक्सचेंज कोई जहर गुफ्तगू का हुआ होगा जिस पर जाके ये बिल्कुल इख्तिताम पज़ीर हुआ रबता? जिनको ये थ्रेट थी मुझसे, मुझ नाचीज़ से अगर कोई थ्रेट थी सियासत पे, तो मैं ये सोच रही थी कि मैं उनसे कहूँ कि जिस तरह का इन्होंने मुझसे सलूक किया, जो मीडिया कैंपेन वगैरह की, तो उससे तो मेरा ख्याल है कि कोई फ़ायदा सियासी तौर पे नहीं हो सकता। इससे शायद बेहतर होता कि अगर कम्प्लीटली ही मेरा कला कमा करना था, तो शायद अगर शूट कर ले तो शायद ज़्यादा सियासत बेहतर हो जाती और मुझे देखना भी ना पड़ता, मुझे ये सारा और तकलीफ़ें हमदर्दी, मनाजिर देखने ना पड़ते। और कम से कम ये हमदर्दी भी मिल जाती लोगों की। तो ये बताइए कि अब क्या आपका मुस्तकबिल है, अब भी आपको इससे ख़तरा तो नहीं है कि कहीं ये आपको शूट भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग ज़ाहिर आपको डरा रहे होंगे इस हवाले से। अभी तो आप इत्तेफाक से ज़ाहिर लंदन में, बरतानिया में मौजूद हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान जाती हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप शायद जाएंगे भी वहाँ पे इस हवाले से, तो क्या आप देख रही हैं अपना मुस्तकबिल पाकिस्तान में? देखिए, बहुत से लोग मुझको ये बातें करते हैं और बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि अहमकाना हरकत की थी तुमने, कि जो बीबीसी की पेंशनेबल जॉब थी, अच्छा खासा खूबसूरत घर था, सब कुछ छोड़ के तुम और अपना कुत्ता लेके तुम पाकिस्तान चली गई।
ये भी कह सकते हैं कि शायद मैं बेवकूफ़ हूँ, शायद हिम्मत करना या बहादुरी से मुकाबला करना बेवकूफ़ी हो, लेकिन मुझे और कोई रास्ता भी नहीं पता। लोग समझाने की कोशिश करते रहे हैं, करते आए हैं। मैंने कभी ज़िंदगी अपनी मैंने खौफ से हमेशा जंग की है कि अपने अंदर अगर मेरे किसी बात का खौफ रहा है तो मैंने उस खौफ को ओवरकम किया है। और मैं अपने आप को बहुत बुज़दिल समझूंगी, क्योंकि देखे ना, ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। मैं सीढ़ियों से गिर के भी मर सकती हूँ, और अगर मैं हक बात पे खड़ी हूँ, जब मैंने कुछ गलत किया नहीं है, तो मैं क्यों अपने मुल्क से, अपने जिस मुल्क से अटैचमेंट है, मैं इमरान खान के लिए तो पाकिस्तान नहीं गई थी, मैं कोई भाभी बनने के लिए तो पाकिस्तान नहीं गई थी, मैं कोई फर्स्ट लेडी बनने के लिए तो पाकिस्तान नहीं गई थी। मैं पाकिस्तान में खुश हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए अपना जो कुछ थोड़ी बहुत करना चाहती कर सकती हूँ, मैं करना चाहती हूँ। और बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि तुम्हारी वजह से रवैया नहीं बदलेंगे, और तो मुझे बहुत डांटते हैं जो बड़े हैं मुझसे, तो वो सब मुझे कहते हैं कि तुम्हारी वजह से बड़े बड़े लोग आए हैं और लोग ये कोई भी चेंज नहीं ला सकते। लेकिन ये वही बात है कि जब मैंने स्ट्रीट चिल्ड्रन की बात छेड़ी शादी के बाद खान साहब से, तो खान साहब ने मुझे कहा कि तुम सब बच्चों को नहीं बचा सकती। तो मैंने उन्हें ये कहा कि अगर मैं एक बच्चे की भी जान बचा लूँ तो क्या ये काफ़ी नहीं है? दुरुस्त अगर मैं वापस पाकिस्तान जाके सबकी सोच नहीं बदल सकती, अगर मैं एक नौजवान को भी, एक लड़की को भी इतनी हिम्मत और इतनी अवेयरनेस दे जाऊं कि जो हमारे रवैये हैं, जिस तरफ हम जा रहे हैं, वो गलत है और हमें सच्चाई की तरफ जाना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, और इंसाफ की जब हम बात करते हैं ना, तो मुनसिफाना होना चाहिए, हक की बात पे खड़े रहना चाहिए। अगर मैं एक शख्स को भी कन्विंस कर लूं, तो बहुत बड़ी क्या ये तब्दीली तब्दीली होगी नहीं है? और ये यह भी सब तब्दीली तब्दीली है। होगी जी हाँ। हम खान हम कैसे देख रहे हैं मुस्तकबिल को, एक एज ए एंकर, एज ए पॉलिटिशियन, एज ए फिल्म पॉलिटिशियन प्रोड्यूसर, एज ए सोशल एक्टिविस्ट, क्या है रेहम खान का मुस्तकबिल? मेरा मुस्तकबिल तो वही है जो कि एक तो मैं वापस अपनी जॉब पे जाना चाहती सही हूँ। मैं वो इश्यूज जो पहले भी रेज़ कर रही थी, उनको ज़रा ज़्यादा ऑब्वियसली पैशन से रेज़ कर सकती हूँ। करंट अफेयर्स मेरा इंटरेस्ट है, कुछ सोशल इश्यूज़ हैं जो कि करंट अफेयर्स से लिंक्ड हैं। जी मेरा एक बहुत कमिटमेंट है चाइल्ड प्रोटेक्शन, चाइल्ड अब्यूज़ के ख़िलाफ़, चाइल्ड लेबर के ख़िलाफ़, और वो मैं चाहूँगी कि अपने प्रोग्राम्स के थ्रू उसके बारे में बात कर सकूँ, एडवोकेसी कर सकूँ। तब्दीली सिर्फ ये आई है कि आई एम सिंगल अगैन, दैट आई एम नॉट मैरिड एनी मोर, बट उसके अलावा मेरा वजूद नहीं तब्दील हुआ। मैं रेहम खान थी, रेहम खान ही, अपने तरफ से तो मैं रेहम खान ही रही। अगर सही लोगों ने मुझे भाभी कहा, प्यार से कहा, एक बहन का रुतबा दिया, ये अच्छी बात है, लेकिन मैंने कभी अपनी ज़ात को बीच में खोया नहीं। मैं हमेशा, मैं वही खुद ही गाड़ी चला के जाती थी, ना मैंने पहले कोई प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया, ना मैं कहीं किसी और रोल में तब्दील हो गई। तो आई एम स्टिल हु आई वाज। अच्छा, ये एक अजीब इल्ज़ाम आप पे लगा, हम क्वेश्चन तो आपके आखिरी में, लेकिन MI6 का एक इल्ज़ाम आप, बड़ा अजीब और गरीब लगा ये, क्या कैसे ये, यानी कि आपको वैसे तो बड़ी अजीब बात है, कैसे ज़रा यहाँ पे उसके पेरोल पे जाना और कैसे उसको करना, यानी कि ये इस तरह का इल्ज़ाम आप क्या कहेंगे इस बारे में, जब आप पे कि अगर आप ज़रा पाकिस्तान गई, आपने शादी की टॉप पॉलिटिशियन से और उसके बाद ये इल्ज़ाम सामने आ रहा है और आप ज़रा फिर पाकिस्तान जा रही है, तो फिर कोई लोग इस तरह की बात कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि आप सिर्फ मेरे ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मुसल्ह अफवाज और इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या इतनी अहल नहीं है कि उनको पता नहीं है कि कोई एजेंट है, MI6 से आया है और टेलीविजन पे 2.5 साल से प्रोग्राम कर रहा है? तो दुरुस्त उनको चाहिए, अगर इतना ही वो वसूख से बिलीव करते हैं, तो उनको चाहिए कि मुझे अरेस्ट करवाएं बिल्कुल और सही कार्रवाई शुरू करवाएं, क्योंकि आई एम अ ह्यूज थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। मैं किस बलबोते पे वहाँ 3 साल से हूँ, इमरान खान की अहलिया भी रही हूँ, और स्टेट सीक्रेट्स भी मुझको पता हैं, और मैं अब दोबारा वापस जा रही हूँ, क्या ये एक बड़ा सिक्योरिटी रिस्क नहीं है? सही तो खुदारा, अपने अपने 30 सेकेंड टेलीविजन पे आने के लिए एक औरत को आप मलाइन नहीं करें, आप पाकिस्तान की बेइज्जती कर रहे हैं। आई एम श्योर कि जो लोग हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज आर मेंट टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड, तो आप उन पे भी एक बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो इतने ना अहल हैं।
सही। अब बिल्कुल आखिरी सवाल प्रोग्राम को हम इख्तिताम करते हुए मैं चाहता हूँ आपसे, पाकिस्तान जाहिर है आपने कहा, आपने सदम का इज़हार किया कि आप जाना चाहती हैं इसी प्रोफेशन में वापस आना चाहती हैं, तो जाहिर बड़ी खुशी की बात है मेरे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के लिए भी कि आप एक और दोबारा उसी अपने पैशन को रिवाइव करें इतने बड़े वाक़े से गुजरने के बावजूद, तो बड़ी अच्छी बात है। क्या पैगाम कोई आखिरी नाज़रीन के लिए जो पाकिस्तान में आपका इंतज़ार कर रहे हैं या अपने चाहने वालों को, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे प्रोग्राम के इख्तिताम में? देखिए, मैं सिर्फ मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में जो हम जैसा रोशन पाकिस्तान देखना चाहते हैं, मेरा ख्याल है हर जो भी सिंसियर पाकिस्तानी वो यही चाहता है। मैं बिलीव करती हूँ कि मेजॉरिटी पाकिस्तान में शायद पढ़े लिखे ना हों लोग, शायद इतनी समझ बूझ ना रखते हों, शायद पूरी दुनिया उन वो ना घूमे हों, लेकिन अच्छे लोग हैं। ये वो पाकिस्तानी लोग हैं, वो पाकिस्तान है जो मुझे वापस पाकिस्तान खींच रहा है, और उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। उसके लिए आपको सही तरह से काम करना पड़ता है। तो ये मत सोचें कि आज कुछ शॉर्ट टर्म सेल्फिशनेस के लिए आप अपने कोई गलत काम करें। जो जो काम आप कर रहे हैं वो ऑनेस्टली करें। अगर आप बैंक में नौकरी कर रहे हैं तो वो ऑनेस्टली करें। अगर आप सहाफ़ी हैं तो वो काम सच्चाई के साथ करें, दिल लगा के काम करें, काहली ना करें। हम बहुत पीछे रह गए हैं बाकी दुनिया से, हमें ज़्यादा काम करना है। हमें 365 दिन में चाहिए कि कोई छुट्टी भी ना लें, हम ज़्यादा काम करें, जॉगर्स पहन के, और हम ज़्यादा तेज़ दौड़ें बाकी दुनिया से, बिकॉज़ हमने गैप बहुत ज़्यादा बना लिया है। हमें चाहिए कि हम ज़्यादा कुर्बानियाँ दें। बड़ी कुर्बानी से हमें ये मुल्क मिला है, और वो कुर्बानी रायगा नहीं जानी चाहिए। तब्दीली की हम बात करते हैं, चेंज की हम बात करते हैं। तब्दीली हर इंसान की ज़ात से शुरू होती है। जब आप अपनी सोच में तब्दीली लाएंगे, जब अपनी जहन से तासुब को दूर करेंगे, जब आप अपने आप से सच्चाई का आगाज़ करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको कहूँ कि मुबीन तो बहुत झूठा है, लेकिन मैं खुद सच ना बोलूँ, तो पहले अपने आप को तब्दील करें, और फिर जब हर कोई, हर जो फ़र्द है माशरे का, वो तब्दील अपनी सोच को करेगा, अपने अमाल को करेगा, जिस तरह से वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसको करेगा, तो आप देखेंगे कि पूरे मुल्क में तब्दीली खुद ब खुद आ जाएगी। सही। ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक शख्स से या एक सियासी जमात से या एक हुकूमत से आए। ये हम सबको रियलाइज़ करना पड़ेगा। अगर कोई ना अहल हुक्मरान है, या हम समझते हैं कि करप्ट हुक्मरान है, या कोई पाकिस्तान के मफादात बेचने वाले हुक्मरान हैं और हमारे नुमाइंदे हैं, तो किसने वहाँ पे, हमारे वोट ने उनको वहाँ पे रखा है। और अगर वो वहाँ पे हैं और हम बर्दाश्त कर रहे हैं, वो भी हमारी गलती है। अवाम को अपनी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेगी, अपने हकूक के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। आज अगर मेरे साथ कोई ज्यादती करता है और मैं अपने हक के लिए नहीं लड़ूंगी, तो आप तो नहीं आएंगे मेरी मदद करने के लिए, मुझे खुद अपने लिए खड़ा खड़ा होना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया रेहम खान, आपसे बात करके बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये थी रेहम खान, इंतहाई खूबसूरत बातें। यकीनन आज हमने असल रेहम खान को दरियाफ्त करने की कोशिश की है। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद यही था। जैसा कि आपसे चंद दिन बाद तब्दीली ही के नाम से रेहम खान इसी चैनल के ऊपर प्रोग्राम शुरू करने जा रही हैं, कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर हम आपको वो तब्दीली का मैसेज जो असल में रेहम खान चाहती हैं वो इसके अंदर हम आपको देने की कोशिश करेंगे। और इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद भी करेंगे, दुआ भी करेंगे कि पाकिस्तान में हालात बेहतरी की तरह जाएँ, जो 18 करोड़ आवाम की ख्वाहिश भी है, और ज़ाहिर उनकी सोच को सही मानों में अक्कासी भी करे। इसके साथ ही अपने मेज़बान मुबीन रशीद को इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।